बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। कि आज तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो की पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम ये चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। कि आज तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो की पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है।
मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूँ इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है
सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सुबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना। बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को। लैंग्वेज मलयालम थी, जो की तुम्हें पहले भी बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम ये चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। कि आज तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सुबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना। बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को। लैंग्वेज मलयालम थी, जो की पहले भी बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम ये चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा,
तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। कि आज तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। कि आज तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि
पहले ही बता दिया था और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा मूवी कैसी स्टोरी थी, सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जैसे तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा मूवी कैसी स्टोरी थी, सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जैसे तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी
और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टारिंग में हम सुबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना। बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को। लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले भी बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाय किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टारिंग में हम सुबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना। बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को। लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले भी बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर
गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूँ इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो की तुम्हें पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर,
श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षण ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जैसे तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षण ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी,
कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टारिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया तो आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम तो चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टारिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया तो आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त
पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया तो आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर,
श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, तो सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि मैं पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी,
कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा कि आज तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है। तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, तो सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम ये चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा कि आज तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है। तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त
पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूँ इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो की पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया तो आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर,
श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है, मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। क्या तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि मैं पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है, मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी,
कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो की पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो की पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त
पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूँ इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो की तुम्हें पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया तो आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर,
श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षण ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम ये चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। कि आज तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षण ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम ये चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी,
कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। क्या तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो की पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। क्या तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो की पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त
पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर,
श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, तो सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी,
कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साहिद, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो की पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साहिद, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त
पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूँ इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया तो आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड,
श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है, मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, तो सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूँ इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा, अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा, अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी,
कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया तो आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया तो आप सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त
पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अभी ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि मैं पहले भी बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, तो सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है, लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अभी ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर,
श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, तो सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूँ इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस, आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा, अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका है, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा, अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी,
कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे और बता दूं, इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे मूवी, कैसी थी मूवी की, थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जस्ट तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोबिन साहिर, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को और लैंग्वेज मलयालम थी, जो कि पहले ही बता दिया था। और मूवी का बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त
पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वैसे आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। क्या तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड, श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने, और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म्स। और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, तो सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूँ तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दू इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है। तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बस आज हम देने वाले और एक मलयालम मूवीज की रिव्यू, सिर्फ मलयालम मूवीज की रिव्यू है लेकिन हम देंगे इसे हिंदी में रिव्यू। मूवी हिंदी में भी आ चुका, मूवी को मैंने फिलहाल मूवी को मैंने खुद भी देख लिया, मलयालम लैंग्वेज पे था लेकिन मूवी को मैंने हिंदी में देखा। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, कैसे देख पाओगे, मूवी कैसी थी, मूवी की थोड़ा सा स्टोरी भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मूवी कैसी स्टोरी थी सब कुछ बताऊंगा, मूवी की करेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। क्या तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हें वीडियो के किसी एक जगह पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा मूवी अभी फिलहाल कहाँ पर अवेलेबल है वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तक तुमने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे मलयालम मूवी मंजुमेल बॉयज की, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी और जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें जरूर से जाके इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। मूवी को डायरेक्ट और राइटिंग किया है चंदा बड़म, और प्रोड्यूस किया है सुबिन साहिर, बाबू साहिर, सावन एंटोनी। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सोविन साइड,
श्रीनाथ बासी, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर था, मैं बोल नहीं सकता, तुम जाके मूवी देख लेना, बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कैरेक्टर है, बता नहीं सकता, तुम जाके देख लेना। और मलयालम नाम भी ऐसा है ना, तुम लोगों को मैं समझा नहीं सकता, तुम आगे जाके देख लेना। और मूवी को एडिट किया है विवेक हर्षन ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है श्री गोकुलम मूवीज ने, और प्रोडक्शन कंपनी थी प्रभा फिल्म, और मूवी की रनिंग टाइम थी 135 मिनट की। मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2024 को, और लैंग्वेज मलयालम थी जो कि तुम्हें पहले ही बता दिया था, और मूवी का बजट था 20 करोड़, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ की कलेक्शन किया था। आप सोच सकते हो गाइस, जो कि मलयालम मूवी जहाँ पर 20-30 करोड़ में मूवीज बनती है, और उस मूवी ने 242 करोड़ की कलेक्शन की, आज तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन चुकी है। मूवी ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, तो मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन किया था, तो सकते मूवी कितना बढ़िया मूवी था। मूवी की स्टोरी भी ऐसी थी कि एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ रहते थे, एकदम छोटा से एक साथ रहते थे, एक जगह घूमने गया था पहाड़ी पर जाके, जहाँ पर एक दोस्त पहाड़ी के अंदर गिर जाता है, उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त क्या करते हैं, कैसे बच जाता है, सभी चीजें दिखाया गया है इस मूवी में। और बाकी चीजें जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और फिलहाल अभी बात करूं तो इस मूवी को कैसे देख पाओगे, और बता दूं इस मूवी को जो ओटीटी राइट्स थी, हिंदी ओटीटी राइट्स थी, डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है, तुम चाहो तो इस मूवी को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हो, अभी अवेलेबल है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके अलावा तुम अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो अभी कन्फर्म नहीं है, और मुझे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आगे जाके कोई अपडेट अगर आता है वो तुम्हें मैं आगे जाके बता दूंगा। तब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।